फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और अपनी गाड़ी मस्त से चला रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नमा यात्री पर कैसे अपना अकाउंट बनाएं, वो भी बिल्कुल फ्री में और घर बैठे पूरी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से। कहीं आपको जाना नहीं है, कोई ब्रांच नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, बस आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपका अकाउंट बन जाएगा। तो उसके लिए पूरी वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे। सो अपने स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ नमा यात्री के बारे में। नमा यात्री की गारंटी है कि आजीवन कोई कमीशन आपसे नहीं लिया जाएगा, बस एक प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जाएगा जो डे के हिसाब से होगा, वो भी बहुत मिनिमम होगा। और देखा जाए ये ONDC की तरफ से है और एक गवर्नमेंट ऐप है जो अभी दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है इसकी सर्विस और ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है और आज की तारीख में ओला और उबर को ये कड़ी टक्कर दे रहा है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अपना अकाउंट बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम नमा यात्री पर अपना अकाउंट बनाते हैं। तो नमा यात्री ऐप को मैंने ओपन कर लिया, ऐसे खुलता है ये नमा यात्री। ठीक है, पहले ये कह रहा है भैया अपना लोकेशन चालू करो, तो हमने इसको लोकेशन के अलाउ कर दें। इसने ऑटोमेटिक दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर हम यहाँ से लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, आपको हिंदी में करना है तो ऐसे आप हिंदी कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश को कंटिन्यू रखते हैं। कन्फर्म करेंगे, देखिए आ गया डायरेक्ट पेमेंट नो कमीशन, यानी कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट आपको मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, UPI और कैश के द्वारा आपको पैसा मिलेगा। 100% ऑफ द फेयर गोज यू, यानी सब कुछ पैसा सीधे आपको मिलेगा, इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा, कस्टमर आपको डायरेक्ट पे करेगा। ठीक है, उसके बाद ये रेवोल्यूशन है ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद में सीधा ये आपको मोबाइल नंबर पूछता है आपका, तो मैंने अपना अकाउंट मोबाइल नंबर डाल दिया इसमें और अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी ये OTP भेजेगा, इसने OTP भेज दिया है और हमने OTP को कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ये पूछ रहा है आपके पास कौन सा व्हीकल है, सिलेक्ट योर व्हीकल टाइप। तो हम यहाँ से ऑटो रिक्शा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके पास ऑटो रिक्शा है, प्लस हम जिसके पास कार है तो वो कार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टैक्सी है तो कार पे जाएंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आरसी में ये गाड़ी का नंबर पूछ रहा है आपसे, तो गाड़ी का नंबर पहले हम फिल कर देते हैं। दो जगह फिल करना है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, अलग नहीं करना है। देखिए दोस्तों, गाड़ी का नंबर फिल करने के बाद में अपलोड रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपकी RC है उसकी फ़ोटो अपलोड करना। तो गैलरी में जाता हूँ मैं, वहाँ से पहले एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ इसके लिए, RC के लिए। फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद में ये ऐसे RC को अपलोड करेगा और अपलोड होने के बाद में आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। अपलोड हो रहा है अभी, ये देखिए RC एडिट सक्सेसफुली। RC पे देखिए, ये दोस्तों जो है ग्रीन कलर का टिक मार्क आ गया, यानी RC हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस आपसे पूछ रहा है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अगेन दोस्तों, RC की डिटेल्स डालने के बाद में, उसका नंबर डालने के बाद, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप डाल देते हैं, उसके बाद आ जाता है उसकी एक क्लियर इमेज को अपलोड करना। तो क्लियर इमेज हम जाते हैं गैलरी से सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों अपना RC भी अपलोड हो रहा है और RC अभी अपलोड हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। कुछ ही सेकंड लगता है दोस्तों RC अपलोड होने में। देखिए RC भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और ये दोनों ग्रीन टिक हो गया। अभी परमिशन मांग रहा है, परमिशन में कई सारी चीज़ें मांगे हैं, बैकग्राउंड में चलने के लिए, एक्सेस मांगेगा नोटिफिकेशन के लिए, तो हम इसको कर देंगे प्लस। सब पे ग्रीन टिक आ जाए उसके बाद रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नीचे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये परमिशन मांग रहा है, इसको लोकेशन के लिए ऑलवेज कर देंगे, तो लोकेशन एक्सेस करने के लिए इसको ऑलवेज कर दिया है। और अभी देखते हैं ऑनलाइन जाके, देखिए हम ऑनलाइन आ चुके हैं आपके सामने, मैंने सारी चीज़ें लाइव करके दिखा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से ये हो चुका है। प्लस बेनिफिट्स में जाएंगे तो ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। आपको ये कोड यूज़ करना है या फिर ये बार कोड स्कैन करना है और आपको अपना अकाउंट बनाना है। रेफरल कोड में आप मेरा कोड यूज़ करिए और अपना अकाउंट बनाइए,
एंड प्रोफाइल पे दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, प्रोफाइल भी मेरा बन गया, ठीक है, प्रोफाइल बन गया। व्हीकल पे चेक कर लेते हैं, व्हीकल नंबर भी ऐड हो चुका है एंड सारी चीज़ें इसमें अच्छे से ऐड हो गई हैं। अभी हम चलते हैं बैक और ये आ चुका है पूरा डैश बोर्ड, और आप देख रहे हैं अभी मैंने अपना अकाउंट बना लिया है और अभी हिस्ट्री में देखेंगे अर्निंग हिस्ट्री बिल्कुल जीरो है क्योंकि अभी मैंने अपना अकाउंट बनाया है। एंड प्लान देखेंगे, प्लान में ये यही बोलेगा 0% कमीशन और सारी चीज़ें, ठीक है। बेनिफिट्स में आप कस्टमर को भी दोस्तों रेफरल करते हैं, आपको 50 रुपये पर कस्टमर से मिलता है, आप ड्राइवर को रेफ़र करेंगे तो भी आपको मिलेगा पैसा, 100 रुपीज़ मिलेगा पर ड्राइवर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो, देखिए एक चीज़ नीचे और लिखी है मैं आपको बताता हूँ, आजीवन शून्य कमीशन 1 अक्टूबर 2024 से कोई प्लेटफॉर्म शुल्क भी नहीं है, यानी कोई प्लेटफॉर्म शुल्क भी आपको नहीं देना, ये गुड न्यूज़ है दोस्तों, कोई प्लेटफॉर्म शुल्क भी आपको देना नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है कि कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में घर बैठे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कौन नई वीडियो में, अगर आपकी कोई क्वायरी है कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पे फ्रेंड बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक का, वहाँ पे जाके आप अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और वहाँ पे भी डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं कौन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।